ये इंटरपोल को क्रिमिनल्स की इतनी सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से? पंकज, दुनिया को बचाने के लिए हमारे जैसी और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो दिन रात काम कर रही हैं। और वो तुम्हारी तरह कामचोर नहीं होती, समझे? मैं कामचोर? सर, अचानक से इतनी सीरियस न्यूज़? हाँ पूर्वी, तबाही की खबर है और तबाही तो अचानक ही आती है। अब हम इससे निपटेंगे कैसे? लोगों के जान माल का सवाल है, निपटना तो पड़ेगा ही। देखते एसीपी सर क्या कहते हैं। हाँ सचिन, पूर्वी क्या पता चला उस टेररिस्ट के बारे में? सर, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट, इसने पिछले 10 सालों में बहुत सारे देशों में तबाही मचाई है सर, खून खराबा किया है। इंटरपोल वाले इसकी फोटो भेज रहे हैं सर। सर, इसे पकड़ने की सारी कोशिश नाकाम रही। सर, इसका असली नाम क्या है ये भी किसी को नहीं पता। अलग अलग देशों में कई नामों से आतंक फैलाया है इसने, जैसे हिंदा, बिमाम, पलाश, गोरेल, बाबूस, कई नाम है सर इसके। हाँ, तभी तो इंटरपोल वालों ने हमें रेड अलर्ट पर डाला है सर। अब ये हमारे देश में आ चुका है और सारे मेट्रो सिटीज पर इसकी नजर है और सबसे पहले मुंबई इसके निशाने पर है। सर, फोटो आ गई। ये कैसे हो सकता है सर? ये टेररिस्ट है या हीरो? इतना स्मार्ट है ना। चुप रहो। मालूम है कौन है ये? एसीपी साहब का बेटा नकुल। ये हो ही नहीं सकता। पूर्वी, ठीक से चेक करो, ये उसी की फोटो है। इंटरपोल ने यही फोटो भेजी है। इंटरनेशनल टेररिस्ट की जगह नकुल की फोटो कैसे भेज सकता है? दया, 8 साल पहले मैंने इस पर गोली चलाई थी। और सारी दुनिया जानती है कि मैंने अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को मारा है। ये हो ही नहीं सकता ये। मैं मगेश बोल रहा हूँ, SIT एजेंट। मैं एक्सिया मॉल में हूँ। मुझे आपको उस आतंकवादी नकुल के बारे में कुछ बताना है। आप प्लीज जल्दी यहाँ पे आ जाइए। सर, आपने तो खुद नकुल को गोली मारी थी, तो फिर ये इंटरपोल वाले नकुल की फोटो और तो और ये एजेंट, ये भी नकुल का नाम ले रहा है। सर, ये दो लोग झूठ के क्या? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं सर। अभिजीत, मेरे गन से निकली गोली झूठ नहीं थी। वो गोली झूठ नहीं थी। नकुल वापस आ ही नहीं सकता। यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। अभी तक तो आ जाना चाहिए इन्हें। नकुल जिंदा है क्या? सच में नकुल जिंदा हो सकता है, वो भी इतने साल बाद? ये कौन सा राज खुला है? ये मरा हुआ नकुल जिंदा कैसे हो गया? अगर मैंने गलती से भी कहा कि ये नकुल की आत्मा है तो यहाँ सब मेरा गला दबा देंगे। एसीपी सर ने उसे गोली मारी थी, मगर इतने सालों बाद उसका नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में आ गया है। सच कौन है? एसीपी सर या इंटरपोल? जिस बात का डर था वही हो गया। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मैं फ्रेडी बात कर रहा हूँ सीआईडी से। हेलो, देखो आपके यहाँ जितनी भी एम्बुलेंस है सारी की सारी लेके आओ एक्सिया मॉल पे। जल्दी हरी आप। हाँ? क्या हुआ था यहाँ पे? सर कुछ बताना चाहता हूँ सर। सर वो चार लोग थे सर, सूट बूट में थे। रे तुमने उनका चेहरा देखा? नहीं सर, उनके पास ब्रीफकेस था। एसीपी साहब मेरी बात सुनिए, मैं मंगेश हूँ। मैंने आपको फोन किया था। ये ब्लास्ट मुझे मारने के लिए किया गया था। वो चारों मॉल के अंदर नहीं गए, उन्होंने ब्रीफकेस डस्टबिन में डाला और वो चले गए। वहाँ पे? हाँ सर। ब्रीफकेस में ही बम होगा। चलो चलो उठो उठो। मंगेश मेरी बात सुनो, क्या तुमने नकुल को देखा है? मेरे बेटे को? हाँ। जिंदा है? जिंदा देखा है तुमने उसे? आपका बेटा नकुल? हाँ। मंगेश 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 क्या बताना चाहता था ये मुझे? सर आप पहचानते हैं इस घड़ी को क्या? नकुल? नकुल? ये आप क्या कह रहे हैं सर? नकुल? मुझे जाना है अभी। नकुल के बारे में कुछ पता लगाना है मुझे। ये एसीपी साहब कहाँ जा रहे हैं? एक एक चीज साबित कर रही है कि वो नकुल ही है, और एसीपी साहब के लिए भी ये समझना मुश्किल होता जा रहा है। सर सर, ये ब्रीफकेस मिला है, शायद बॉम्ब इसी में था। लगता तो ऐसा ही है। तय उस तरफ जाके चेक करो, किसी ने देखा क्या उन लोगों को। क्या तब तक मैं एसीपी साहब को देखता हूँ। ठीक है। सीआईडी, मैं मंगेश बोल रहा हूँ, एसआईटी एजेंट, आपका बेटा नकुल। मंगेश, बाप बेटे की ऐसी जोड़ी पूरी दुनिया में नहीं होगी। कैसे हो सकता है, ये सिर्फ मैं ही जानता था। पहली बार मैं आपके लिए कुछ लाया हूं डैड। मेरे लिए? हम दोनों के लिए। देखा मेरा प्यार डैड, ये है मेरा प्यार। और मैं ये भी जानता हूं कि आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या ये? नहीं डैड, आज के दिन प्लीज नो क्वेश्चंस। आज आप सिर्फ मेरी सुनेंगे। ये दो घड़ियां हैं डैड, एक जिसमें लिखा है लव यू डैड और दूसरी जिसमें लिखा है लव यू नकुल। डैड वाली घड़ी मेरे पास रहेगी और नकुल वाली आपके पास। इस बहाने आप मुझे याद तो करेंगे। ये लीजिए डैड, आप वाली। एक शर्त पर लूंगा मैं। क्या डैड? शर्त, उसूल, प्यार में ये सब नहीं चलता है डैड। सिर्फ इतना बताओ, ये घड़ियां खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे आए कहां से? मुझे पता था, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। चाहे कुछ भी कर लो, अंजाम वही होगा। सवाल, सवाल और सवाल। अगर नकुल जिंदा है तो उसे मरना ही होगा। नकुल को मरना ही होगा। घायल आदमी ने बताया था कि वो चारों सूटबूट वाले मॉल की तरफ यहाँ से आए थे। सर, तो आसपास पूछते हैं, शायद इनमें से किसी को पता हो। ठीक है, आसपास पूछताछ करो। सुनिए, आप में से किसी ने उन चार सूट बूट पहने लोगों को देखा जिनके हाथ में ब्रीफकेस था? वो यहाँ से चल के मॉल की तरफ गए थे। हाँ सर, हम दोनों ने देखा है। जब वो मॉल में गए थे तो चारों के हाथ में सूटकेस थी, लेकिन जब वो लौट के आए तो खाली हाथ और अपनी गाड़ी लेकर चले गए। और उसके कुछ मिनट बाद ही बम ब्लास्ट हो गया। वो सर वहाँ पे उस रोड के पास। उन्हें देख लोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब। हाँ सर। ठीक है बेटी, इनसे उन चारों के स्केच बनवा लो। और पंकज, उस बैंक के पास जो सीसीटीवी कैमरा है उनके फुटेज ले लो। इनसे जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। जल्दी। डॉक्टर कुमार कहाँ है? सर वो तो कहाँ है? वो बुलाओ उन्हें। ये एसीपी सर, आप तुम डॉक्टर कुमार के असिस्टेंट थे ना? जी हाँ सर। डॉक्टर अमेया। हाँ सर। तुमने ही नकुल का पोस्टमार्टम किया था, तुम दोनों ने? जी हाँ सर, मैं वही हूँ सर। पर हुआ क्या सर? हुआ क्या है? अभी सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। बताओ, नकुल जिंदा है? सच बताओ, नकुल जिंदा है? सच बताओ, नकुल जिंदा है? जिंदा है सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर, मैंने आपसे झूठ बोला था सर। मैं क्या करता था सर? वो मैं कुमार का असिस्टेंट हूं ना, मजबूर था सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। नकुल जिंदा कैसे, जबकि मैंने अपने हाथों से उसको गोली मारी थी? तुम लोगों ने झूठ बोला मुझसे। नहीं सर। झूठ बोला, इसकी सजा जानते हो? जानते हो इसकी सजा? कहाँ है डॉक्टर कुमार? बुलाओ डॉक्टर कुमार को। सर वो पिछले हफ्ते कार एक्सीडेंट में चल बसे सर। कुमार मर गया? हाँ सर। तो फिर डॉक्टर अमेया, बताओ नकुल के जिंदा होने की सच्चाई क्या है? बताओ जल्दी। सर सच तो सिर्फ डॉक्टर कुमार जानते थे। आपसे सर उसके जिंदा होने की खबर छुपाई, पर उसे हॉस्पिटल से जाने को बोला। कहाँ गया, क्यों गया सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने मरे हुए बेटे का चेहरा देख सकूं। इसका फायदा उठाया तुम लोगों ने और मुझसे झूठ कहा। सर, पोस्टमार्टम हो चुका है। आप आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। जी नहीं। चलो। कौन ले गया नकुल को यहाँ से? सर कौन ले गया? सर, सर एक लड़की। कौन? डॉक्टर कुमार के केबिन में नकुल की फाइल पड़ी है, उसके पीछे उस लड़की का नंबर लिखा है। फाइल दिखाओ नकुल की, नंबर चाहिए मुझे। सर फाइल कहाँ है? सर दिखा रहे हैं सर। सर ये रहा नंबर सर, 001678957। बेल बज रही है लेकिन एसीपी साहब उठा नहीं रहे। आखिर एसीपी साहब है कहाँ? वहां से तो यही कह के निकले थे कि थोड़ी देर में आता हूँ, अब तो शाम हो गई, अब तो कोई पता नहीं उनका। नकुल और क्या? सबसे नकुल की फोटो उन्होंने देखी है, इसके जिंदा होने की खबर आई है तब से परेशान है वो। सर मॉल में जिन 4 लोगों ने बॉम्ब रखा था उनका स्केच तैयार है। गाड़ी के मालिक का पता चलता ही उन 4 का भी पता चल जाएगा। सर हाँ बोल भी। सर फुटेज रेडी है, देखा? गाड़ी का नंबर मिल गया। इसके सामने ये जो गाड़ी खड़ी है ना, उसके पीछे देखो, इसके नंबर प्लेट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जरा जूम करो। पता करना पड़ेगा किसका नंबर है ये। प्ले करो। एक मिनट पूरा पॉज करना। ये तो नकुल ही है। माय गॉड, कोई शक और कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। इंटरपोल ने एकदम सही रिपोर्ट भेजी है। ये कैसे हो सकता है सर? एक आदमी मरने के बाद इतने सालों बाद जिंदा कैसे हो सकता है? क्या पता नकुल कभी मरा ही ना हो। नकुल मर चुका है और तुम लोग अभी भी नकुल में उलझे हुए हो। असली केस से भटक रहे हो तुम लोग। मुंबई को खतरा है, मुंबई को बचाना हमारा फर्ज है। रही बात नकुल की, उसे मैं देख लूंगा। मतलब हम नकुल की तलाश ना करें? लेकिन साहब असली क्रिमिनल तो वही है। सफेद रंग की अटैक कार MS02CH3715, ये तुम्हारी गाड़ी है ना? बिल्कुल। आपको तो मेरी गाड़ी का नंबर मुंह जुबानी याद है। कल आपकी गाड़ी एक्सिया मॉल गई थी और आपकी गाड़ी से वहां पर एक बॉम्ब रखा गया था। क्या नारंग सर? और बॉम्ब सर लॉस होने की वजह से आपने ये सब शुरू कर दी? शट अप। सर मेरी गाड़ी कल भी पार्किंग लॉट में खड़ी थी, आज भी वहीं खड़ी है। मैं सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ कैसे जा सकती है? ज्यादा होशियारी नहीं, यही तुम्हारी गाड़ी है ना? जी सर। इन 4 को पहचानते हैं आप? ये कल आपकी गाड़ी में एक्सिया मॉल आए, वहां पर बॉम्ब रखा और आप ही की गाड़ी से वहां चले गए। और वो टेररिस्ट नकुल, वो भी वहीं पे था। देखिए सर मैं किसी भी टेररिस्ट नकुल को नहीं जानता और मैं इन 4 को भी नहीं पहचानता। तो फिर तुम्हारी गाड़ी वहां एक्सिया मॉल कैसे पहुंच गई? मैं क्या बताऊं सर, ये सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा तुमने अपनी गाड़ी किसी को दी थी? किसी ने चाबी ली थी तुमसे? नहीं सर, लेकिन सर मेरी चाबी तो वॉचमैन पास रहती है, क्योंकि दूसरी गाड़ियां आती जाती रहती हैं तो वो मेरी गाड़ी आगे पीछे करता है। चलो पार्किंग लॉट दिखा। जी सर। 001678957 ये फोन जब मैंने लगाया था तो ये किसी वृद्धाश्रम में लगा था, किसी वृद्धाश्रम में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वृद्धाश्रम के नाम पर ये फोन आने से पहले ये नंबर किसके नाम पे था। मैं चेक करके बताता हूँ। सर पता चल गया, ये नंबर 2002 से 2010 के बीच किसी मिस कामिया के नाम पर था और 2010 के बाद से आज तक ये नंबर मिस्टर जयेंद्र के नाम पर है। कामिया, आपकी गाड़ी तो खुद बता रही है कि कल ये एक्सिया मॉल गई थी। अब आप दोनों खुद सच बताएंगे या मुझसे मेहनत करवाएंगे? साहब ये सब क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो यही था और मेरी सारी गाड़ियां भी यही थी। इस गाड़ी की एक ही चाबी है और वो चाबी थी आप लोगों के पास, तो आप लोग बताओगे कि ये गाड़ी वहां एक्सिया मॉल कैसे पहुंची, नहीं तो तुम दोनों जेल जाओगे। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। साहब मैंने गलती की है साहब, गाड़ियों की चाबी मेरे हाथ में होने का मैं फायदा उठाता था। कौन है आप? अबे बाहर निकल। कौन है आप? कौन है आप? अबे बाहर निकल। ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा ये तो मैं बताने वाला नहीं मैं कौन। लेकिन क्या कर रहे हो? पर मुझे पता तू एक नंबर का चोर चौकीदार। बेटा इस गाड़ी की हमें जरूरत है, तुझे नहीं। साहब मैं डर गया था और चुपचाप कोने में बैठ गया था और कुछ देर बाद देखा कि गाड़ी गेट के पास खड़ी थी और मैं चुपचाप जाके गाड़ी पार्क कर दी। साहब इनमें से कोई वो लड़का है, ये देखो ध्यान से। हाँ साहब ये है, ये कल लाल रंग का शर्ट पहना था और पिज्जा डिलीवरी वाला ड्रेस पहना था। साहब पिज्जा डिलीवरी कौन सा? ये तो नहीं पता है, लेकिन साहब उसके टी शर्ट पे यहाँ टीपी लिखा था। साहब टीपी। नकुल दिख नहीं रहा है? मैं कितने मजे से अपने खेल का मजा ले रहा हूं। टेक्नोलॉजी भी कहां तक पहुंच गई है ना, मानना पड़ेगा। सीआईडी भटक रही है और मैं यहां बैठकर उनको आराम से देख रहा हूं। तुम्हें ये सब छोड़ के बचने और निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तुम अपने बारे में सोचो मीता, क्या होगा तुम्हारा? हा? मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा मीता, क्योंकि मेरा प्लान तो सेट है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा अगला प्लान है क्या नकुल। मुझे तो बस डर लग रहा है कि तुम्हारे प्लान से पहले अगर सीआईडी यहाँ पहुंच गई तो। माफ कर दो नकुल, मुझे माफ कर दो। कितनी बार कहा है अपनी मनहूसियत अपने पास रखा करो। यहां तक पहुंचने के बाद मैं हार नहीं मानूंगा। दिख नहीं रहा है? पूरे शहर में सीआईडी मेरी तलाश में इधर उधर भाग रही है और मैं यहां बैठकर पिज्जा खा रहा हूं। लेकिन ऐसे भी प्रद्युमन वो किसी भी समय कामना तक पहुंच सकते। पहुंचने दो, एसीपी प्रद्युमन को कामना के पास पहुंचने दो, लेकिन इससे पहले वो कामया तक पहुंचे एक ट्विस्ट तो बनता है। है कौन ये कामया? क्या रिश्ता क्या है इस कामया का नकुल के साथ? फिर अगर नकुल जिंदा है तो था कहां पर अब तक? दी पहली बार। हेलो सर, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ सर। हाँ अभिजीत बोलो। सर आप कहाँ हैं सर? हम लोग कब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं। अभिजीत मैं किसी काम में उलझ गया हूँ। कौन सा काम सर? सर एक बार आप ब्यूरो आ जाइए, हम लोग देख लेते हैं ना सर। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस काम में उलझा हूँ। जब तक नकुल की असलियत का पता नहीं चलता मैं वापस नहीं लौटूंगा अभिजीत। नकुल की असलियत का पता लगा कर ही रहूंगा मैं। ये कामिया? अरे साहब वो रही चमकीले लहंगे में। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। क्या हो गया कामिया? रूही मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम यही रुको, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। और वैसे भी मुझे मैनेजर से बात करनी है, कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जाना है। अच्छा ठीक है, तुम जाके चेंज कर लो, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करती हूँ। ठीक है ठीक है। कहाँ फंस गई मैं? ये तो तुम्हें मेरे प्यार में पड़ने से पहले सोचना चाहिए था। नकुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम चले गए। कैसे चला जाता? मेरे इतने काम आने वाली कामया को छोड़कर कैसे चला जाता? वैसे पता है ना क्या करना है? नकुल तुम मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो, एसीपी प्रद्युमन किसी भी वक्त तुम्हें ढूंढ लेगा, बाकी तो तुम्हें पता है। इसलिए मैं जो कहता हूँ वो ही करो। ना तुम तो मुझे जानती हो। किसी लड़के की आवाज लग रही है अंदर। कौन है इसके साथ अंदर? मुझे कामिया से मिलना है। वो अंदर है, शायद कोई है उसके साथ अंदर। किसके साथ बात कर रही थी तुम? कौन था यहाँ पर? कोई नहीं था यहाँ पर। कोई नहीं कैसे? कोई तो था। नकुल था यहाँ पर। कौन नकुल? मैं किसी नकुल को नहीं जानती। झूठ मत बोलो कामिया, मैंने खुद सुना है तुम्हें किसी से बात करते हुए। यहाँ जरूर कोई था। रूही यहाँ कोई नहीं था। और आप कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? दरबार जाओ, अब बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। और तुम कामिया, तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानता हूँ मैं, समझी? हर एक चीज। कुछ साल पहले तुमने नकुल को हॉस्पिटल से बाहर निकाला था। निकाला था या नहीं? कहाँ नकुल बताओ जल्दी। हाँ मैंने निकाला था। अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि आपका बेटा कितना खतरनाक है। मार देगा वो मुझको, मार देगा, मार देगा। कुछ नहीं करेगा वो, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। सिर्फ इतना बताओ, नकुल कहाँ है? बताओ कहाँ है नकुल। बताती हूँ, उसने मुझे सब चौपाटी पे आने को कहा है। बोला कि बोट लेकर समुद्र के बीच उसे मिलो, वही मिलेगा वो मुझे। बोट लेकर समुद्र के बीच में मिलेगा वो तुम्हें? तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। सर वो रहा वो बोट वाला, इसी की बोट लेकर मुझे नकुल ने समुद्र के बीच आने को कहा था। सुनो भाई, आज आप वो बोट आपकी है ना? हाँ साहब, वो बोट मुझे चाहिए। साहब वो बोट पहले से ही किराए पे दे रखी है एक मैडम के लिए, और मुझे लगा ये वही मैडम है जो आपके साथ आई है। बिल्कुल सही समझा, लेकिन समुंदर में बोट मैं लेकर जाने वाला हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, मैं अकेले जाऊँगा समुंदर में। नहीं सर, आप बोट ले देता हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है, बोट मैं लेकर जाऊँगा समुंदर में। गायब क्यों नहीं है? कहीं अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? कहाँ रह गया ये? शुक्र है, मेरा नाम तो याद है आपको और आपकी जुबान पर भी आ गया। वरना मैं तो सोचा था कि मुझे मरा हुआ जानकर आप तो मुझे भूल ही गए हो। तुम्हें कैसे भूल सकता हूं बेटा, लेकिन फिर भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जिंदा कैसे? जिंदा हो और आपके सामने खड़ा हो। आपने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की, पर मैं आप ही का बेटा हूं डैड। मौत से हार नहीं मानी मैंने। संभल के बेटा, अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? दुख के आंसू है ना डैड? मुझे जिंदा देखकर आपको अच्छा नहीं लगा? कम ऑन डैड, कभी तो अपने बेटे को जिंदा देखकर खुश हो जाइए। मैं सचमुच में जिंदा हूं डैड। बड़े किस्मत वाले हैं आप। आपका बेटा मौत के मुंह में जाकर भी वापस जिंदा लौट आया। इसी बात का अफसोस है बेटा कि तुम अब भी जिंदा हो और फिर भी उसी गलत रास्ते पर चल रहे हो। अब भी वक्त नहीं गया बेटा, लौटाओ लौटाओ। देखो ये रास्ता तुम्हें मौत के मुंह में लेकर जाएगा। मौत के मुंह में मैं नहीं, आप जाएंगे डैड। क्या कहा तुमने? मुझे मारोगे तुम? मुझे? हाँ डैड, जब मुझे मारते वक्त आपके हाथ नहीं कांपते तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं? और वैसे भी मुझे ना आपको और तकलीफ नहीं देनी। तुम जैसे बेटे से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूं? मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी डैड। सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। Bye, Dad. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.